तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिमेट्री ऑफ फ्लावर के एग्जांपल बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए, सिमेट्री ऑफ फ्लावर दो टाइप की सिमेट्री आपको पढ़ना है। एक तो है एक्टिनोमॉर्फिक एंड दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। तो सबसे पहले सिमेट्री कैसे याद रखेंगे, तो हम एबीसीडी पढ़ते हैं ना अल्फाबेट ए टू जेड। तो यहां पे आपको याद रखना है सबसे पहले ए और नेक्स्ट लाइन में जेड। तो ए से आपको याद रखना एक्टिनोमॉर्फिक एंड जेड से याद रखना आपको जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया रेडियल सिमेट्री, ये अपना बायलैटरल सिमेट्री हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम मैकडोनल्ड से याद रखते हैं, मैकडी से याद रखते हैं। मैकडी मींस एम फॉर मस्टर्ड, सी से चिली एंड डी से डेथुरा। वही अगर हम जाइगोमॉर्फिक देखेंगे तो जाइगोमॉर्फिक दो चार वर्ड है, पीजी पीजी तो वर्ड आपको सबको पता है, पेइंग गेस्ट या वीसी इज मान लो कोई भी वर्ड, बिटकॉइन वगैरह रख लीजिए या फिर ऐसे आपका चैप्टर है वायरल ट्रांसमिशन, ये भी याद रख सकते हो। अब बात है कि पी से पी, जी से गुलमोहर, नेक्स्ट बी से है बीन्स और सी से है आपका कैसिया। तो दो टाइप की सिमेट्री हो गए, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल के याद रखोगे मैक डी मस्टर्ड चिली डेथुरा, इसके साथ जाइगोमॉर्फिक पी जी बी सी में थे पी से पी गुलमोहर बीन्स कैसिया। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।